हिंगनघाट के विधायक समीर कुनावार हिंगनघाट शहर में सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल हो इस मांग के लिए आंदोलन पर बैठे थे। उनके आंदोलन को उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भेंट देकर मांग को हामी भरते हुए अस्पताल वही बनाने का वादा किया है, जिस पर विधायक कुनावार ने अपना अनशन खत्म करने की बात कही है। मेडिकल कॉलेज वो हिंगनघाट क्षेत्र में होना चाहिए, इसके लिए गए 7-8 महीने से हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए बहुत जन आंदोलन चालू है। मैं अभी तक 8 से 9 पत्र दे चुका हूं और वो कॉलेज हिंगनघाट में होना जरूरी है, इसलिए आज सरकार का हमारे तरफ उसके तरफ में लक्ष्य देने के लिए आज मैं यहाँ पे पायरी पे बैठ के आंदोलन किया हूं। और ये शासकीय महाविद्यालय हिंगनघाट होना चाहिए, ऐसी जन जन की भावना है। हजारों लोगों का आंदोलन वहाँ पे चालू है और वहाँ की परिस्थिति देखते हुए ये शासकीय मेडिकल कॉलेज हिंगनघाट में होना जरूरी है पॉपुलेशन के हिसाब से। इसलिए आज मैं पायरी पे बैठ के यहाँ पे आंदोलन किया। माननीय लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहब अभी आए थे, उन्होंने मुझे शब्द दिया कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये हिंगनघाट में देने के लिए उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है। और अभी उनके बारे में कुछ बोलने के लिए माननीय आशीष शेलार साहब को उन्होंने यहाँ पे बताया है।